अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रांधे स्टाइल सोन हलवा। उसके लिए मैंने लिया है 1 kg गुड़। ये चीकी वाला गुड़ है, जो ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और जल्दी पिघल जाता है। उसके लिए हमें चाहिए घी, 1 से 2 tablespoon जितना घी चाहिए। इसके अंदर ये जो सारे मेवे हैं आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, मगर जाते यही वाले हैं, क्वांटिटी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। काजू, अखरोट, ये सूखा कोपरा, इसको स्लाइस में कट कर लिया है। पिस्ता, बादाम, मूंगफली, ये 1 teaspoon जितनी शुगर है इसको मैंने पीस लिया है, पाउडर फॉर्म में कर लिया है। ये 1.5 teaspoon जितना गेहूं का आटा, खसखस ऊपर स्प्रिंकल के लिए। मैंने तकरीबन 1.5 tablespoon जितना घी लिया, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1.5 teaspoon जितना गेहूं का आटा। इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम इसके अंदर गुड़ डालेंगे। जब आटे ने थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया और खुशबू आना स्टार्ट हो गई, मैं इसमें डाल दूंगी पहले शुगर पाउडर, ताकि ये अगर थोड़ी सी मोटी भी हो तो ये पिघल जाए। मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर ली। अब मैं इसमें डाल दूंगी गुड़, जेगरी। ये थोड़े मोटे मोटे पीस होते हैं, मैंने इसको हाथ से कट कर लिया है ताकि ये जल्दी से पिघल जाए। हल्की फ्लेम पे मैंने जब रखा तो तकरीबन 5 मिनट में हमारा गुड़ पूरा पिघल गया है। अब मैं इसको हिलाती रहूंगी जब तक इसका कलर चेंज होगा थोड़ा। गुड़ पिघलने के तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम के ऊपर पकाया। अब इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है, चॉकलेटिश कलर आ गया है। अब मैं इसको चेक करने के लिए कि ये सख्त होगा कि नहीं, मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। इसके अंदर मैं ये ड्रॉप डालूंगी और तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसको चेक करूंगी कि ये हार्ड हो रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये हार्ड हो रहा है अच्छे से। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें थोड़ी चीज़ें मिलाएंगे। मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। अब मैं इसमें डाल दूंगी कैशू। आपको जितने चाहिए, जो चीज़ ज़्यादा पसंद हो आप डालें। कोपरा, इसके अंदर कैशू, कोपरा, मूंगफली, पिस्ते, बादाम, ये सारी चीज़ें बहुत मज़े की लगती है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने ये पैन को ग्रीस कर लिया था, कोई भी मोल्ड ले ले, इसको आप घी से ग्रीस कर ले। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी खसखस स्प्रिंकल कर दी। अब मैं इसके ऊपर हमारा ये मिक्सचर डाल दूंगी। आपको जितना थिक चाहिए उतना, बट मैं इतना ज़्यादा थिक नहीं रखूंगी, मैं थिन लेयर बनाऊंगी। मैंने 2 मोल्ड में भर लिया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी खसखस स्प्रिंकल कर दूंगी। अब इसको हमने थोड़ा सा टैप कर लेना है। मैंने इसके ऊपर घी लगा लिया कोई कटोरी पे, ताकि ये चिपक जाए, खसखस गिरे ना। इस तरह से आप पूरे में कर ले। थोड़ा सा ठंडा होगा, इसके बाद हम इसके पीसेस के निशान लगा देंगे, ताकि जब हम निकालें तो ये टूटे ना। तकरीबन 5-7 मिनट बाद जब ये सेट हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया, अब ये गर्म ही है, मैं इसमें कट लगा लूँगी। कट लगाने के लिए मैंने छुरी के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लिया ताकि ये चिपके ना। अब मैं इसमें कट दे दूँगी, ताकि जब मैं इसको कट करने लगूँ, निकालूँ, तो मुझे इसको पीसेस में निकले। ये रेडी है हमारा रांधेरी सोन हलवा। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको भी ज़रूर से पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।